प्रकार के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको कैसे ट्रेड करना है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या और एक स्ट्रेंथ वाले सेशन की संभावना है, करना क्या है सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा, काश मैं आपको ऐसा बोल पाता कि आज एक और मजबूती भरा सेशन होगा, क्योंकि आप जो संकेत पढ़ रहे हैं वो तो सारे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच स्टेबल रहे हैं और हमारे बाजारों के लिए उतने संकेत काफी है कि हम स्टेबल रहे, ज्यादा गिरे ना। दूसरा बढ़िया पॉजिटिव ट्रिगर आपको कच्चे तेल से आता हुआ दिखा $78, जहां से इसने पूरी तेजी दिखाकर $98 तक पहुंचा था, एग्जैक्टली वहीं पर आ चुका है जहां हम 20,200 पर निफ्टी हुआ करते थे, तो वो संकेत भी काफी अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए कल के सेशन के FIs के आंकड़े, फिर खरीदारी के कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में तो और भी जबरदस्त दमदार खरीदारी FIs ने की है, तो कोई कोई ऐसा नेगेटिव संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो उसकी वजह यह है कि कल देर शाम जो RBI की तरफ से कुछ नए रूल्स आए हैं जिनके चलते हुए रिस्क वेटेज जो बढ़ाया गया है बैंक्स और NBFC के लिए, मुझे लगता है कि आज उस सेक्टर पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा और वो सेक्टर बाजार का थोड़ा सेंटीमेंट खराब करेगा और शायद यही वजह कि आपको गिफ्ट निफ्टी में ज्यादा मजबूती दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको आज के बाजार को दो टुकड़ों में बांट लेना है, एक बैंक्स NBFC क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां जो नेगेटिव रहेगी, बाकी ब्रॉडर मार्केट में माहौल ठीक रहना चाहिए। तो ऐसे में अगर आज कमजोर शुरुआत होती है और कमजोर शुरुआत के बाद 19,625-19,700 के रेंज में निफ्टी मिलता है, यहाँ पर आपको टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदारी कर लेनी है। थोड़ा 19,675-19,700 के रेंज में पहले खरीद लीजिए, फिर 19,600-19,625 के आसपास आए तो और ऐड कीजिए। ऊपरी स्तर पर जो कल के हाईज है 19,875 के आसपास, वहां से लेकर 19,950 तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहाँ पर एग्रेसिवली खरीदारी करने की राय नहीं है, मैं आपको सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूँ और वो सपोर्ट है 43,625-43,800 की रेंज का, यहाँ पर आपको सपोर्ट की याद से खरीदारी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 44,400-44,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है, तो इन लेवल्स पर नजर रखती है। तो थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों पर और NBFC पर दबाव अच्छा खासा बना रहेगा और वही बाजार का मूड थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज बाकी सारे संकेत बहुत ही शानदार है। अगर RBI की तरफ से ये खबर नहीं आई होती तो आज आप निफ्टी को आराम से 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता हुआ देख सकते थे, लेकिन चूंकि बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है, NBFCs काफी ट्रेडर्स फेवरेट भी है, तो आज थोड़ा सा वहां पर एक्शन नेगेटिव साइड पर बढ़ता हुआ दिखेगा। जी